जीजा जी, मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। आजकल बहुत ज्यादा शक कर रही हूँ ना, पर क्या करूँ, भर भर के प्यार भी तो करती हूँ, इसलिए आई एम सो सॉरी। वो क्या है इलायची जी, हम आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं। किससे? गुलाबिया। बैठ यार, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? वो गुलाबिया ना, उसकी हिम्मत देख, वो मेरे सपने में आई और उसने जीजा जी को यूं पकड़ कर तो छोड़ नहीं रही थी, उसकी हिम्मत। इलू सपना था यार, असलियत में जीजा जी को ये करके अपनी शामत नहीं बुलानी, जीजा जी की शामत करने वाली सेल्फी। नहीं सुनो, तो समझ नहीं रही है मुझे, मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि जीजा जी रासलीला रचा रहे हैं, कुछ गड़बड़ है यार। मैं बता रही हूँ यार, लो कुछ डिसाइड करने से पहले एक बार उनसे बात तो कर ले, हो सकता है ये सब सिर्फ एक वहम हो। मैं तो दुआ कर रही हूँ ये वहम ही हो, क्योंकि अगर ये सच में अफेयर निकला ना तो मैं सच बता रही हूँ, सुनो, मैं जीजा जी को ना वापस से पार्सल कर दूंगी भगवान जी के पास और कहूंगी कैरेक्टर कैसा डिफेक्टेड पीस ना जिंदगी में मत भेजना इस धरती पर। सेलो, अगर ये होने लग गया ना तो मतलब इस धरती पे ना 3 या 4 मर्द ही बचेंगे बस, तो सोच कितना सॉलिड कंपटीशन हो जाएगा। नहीं तुझे कंपटीशन की पड़ी है? यार मेरी ना सिर्फ प्रेम कहानी की टाइटैनिक डूबती हुई दिख रही हो तुझे? नीलू तू यार रोना बंद कर, वरना ना अपने आंसुओं में अपनी टाइटैनिक को लेके डूब जाएगी तू। मेरी बात सुन, कल सुबह उठ, ठंडे दिमाग से जीजा जी से बात कर और अब सो जा। सो यार, मुझे भी सोने दे, तेरे सपनों ने ना मेरे डार्क सर्कल दे कितने कर दिए, तेरे सपनों के कारण हो रहा सब कुछ। सो जा यार। तेरा मीठा कम डालियो। ओहो बेचारा मंगीलाल अपनी फीकी जिंदगी में नूडल का चटपटापन डाल रही है। मंगेश सर, आपने तो पिंकी सर को लटका ही डाला। कसम से पुष्पा, मजा आ गया। पिंकी को ये लग रही है कि यमराज मुझे उठाने के लिए ना अपनी सेना भेज दी है, लेकिन पिंकी को ये नहीं पता अगले कई वर्षों तक मैं जीने वाला हूँ और उसकी छाती में बैठ के ना मूंग डालने वाला हूँ। सच बताओ पुष्पा, तो मेरे मरने की झूठी रिपोर्ट ने ना मुझे नई जिंदगी दे दी। क्या क्या क्या, पिंकी जी के राइट हैंड ने पिंकी जी के गाल पे थप्पड़ मार दिया, तक बड़ा धोखा, पिंकी जी छोड़ेंगे नहीं। ओहो, ये गुलाबिया पता नहीं कौन से गमले में अटक गई है, ये बेचारा लोटे भी जो है वहां बेचैन हो रहा होगा बस अड्डे पे। सेठ जी, धीरे बोलना, कौन से होटल चलना है? होटल? लोटे ने तो मुझसे कहा तुझे बस अड्डे पहुंचाना है, तेरी बात ना हुई उससे? मैं कही थी होटल चलते हैं, इतनी गर्मी में गांव भी कोई जाने की जगह होती है। एक सुन, मेरी बात सुन ले, तुझे सही सलामत मैं बस अड्डे पे पहुंचा दूं, उसके बाद तू जाने और वो लोटे जाने, समझ रही तू? लेकिन सेठ जी, आपको समझाना चाहिए था ना लोटे को। अरे समझाना चाहिए, बाद में समझते रहेंगे, अभी फिलहाल मुझे और तुझे यहाँ किसी ने देख लिया ना तो मैं बता रहा हूँ उसे समझाना मुश्किल हो जाएगा। चलना है ना चलना है तुझे। सेठ जी, प्रणाम। सेठ जी, आप कहाँ जा रहे हैं? अबे दम। सेठ जी पंचम। अबे फिलहाल तो तू लाउड स्पीकर की जरा दम 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 करके बोल जाए, धीरे बोल। हाँ सुन,
मैं स्कूटर से कोई खाना हजम करने तो जाना रहा हूँ। पर आप जा कहाँ रहे हैं? अरे तू चुप रहे, तू पहले घर जा, मैं तुझे बता रहा हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ, इसे छोड़ के आ रहा हूँ अभी कहीं। देखिए आप क्या इनके कोई ताया जी या चाचा जी लगते हैं क्या? आप क्यों छोड़ने जा रहे हैं? मैं ताऊ और चाचा नहीं बनाती, बस मन का रिश्ता पकड़ती हूँ। सुन टन टन सेठ जी पंचम। हाँ, ज्यादा हवलदार बनने की कोशिश मत कर, समझ रहा है तू? मैं जितनी कह रहा हूँ उतनी सुन, घर जा चुपचाप से और वहां जाके अपने मुंह की चेन बंद रखियो। वहां जाके जो ये जो है वो कद्दू मत फोड़ दियो जाके, चल जा। पर सेठ जी एक बार, अरे मैं कह रहा हूँ तू जा बस। सेठ जी आपका नौकर एकदम हीरो लगता है। तुझे लोटे के पास ही छोड़ना है या तेरा इरादा बदल गया? लोटे के पास चलो। तो फिर क्यों बोल रही है ये सारी बातें? ले जल्दी लगा। ये मैं लगाऊं? अरे और कौन लगाएगा, तेरे ताऊ। क्या क्या चलता रहता है इस घर में, माँ खराब हो गया। ओए पिंटू सुनना, ओए नहीं एक तो सेठ जी ने, अबे सुनना यार पिंटू सरप। अबे क्या हो गया है? साले घोड़े बेच के सो रहा है, तुझे पता भी है इस घर में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अबे यार सेठ जी उस गुलबिया के साथ भागने के प्लान बना रहे हैं यार। अरे यार गुलबिया है ही ऐसी भाई, उसे लेके कोई भी भाग जाए। साले तुझे मजाक सूझ रहा है? बेटी को विदा करने की उम्र में खुद विदा हो रहे हैं। अरे यार जब मर्दों का भी लालच कम ना होता। मतलब अरे जब नैन मटके से काम चल रहा था, क्या जरूरत थी पूरा माल हड़पने की, लेके भाग गए। इलायची के पापा, ओ इलायची के पापा, अरे कहाँ चले गए? देखो इलायची के पापा इतनी रात को धप्पा किया ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं। ओहो कहाँ छुप गए? ओ भाई देखा तूने, लगता आंटी जी को सब कुछ पता चल गया भाई। मैंने तुझे कहा था ना कि मेरा सपना सच हो जाएगा। अरे सपना सपना तेरे सपने की, अब साले सपना कहाँ से सच हो जाएगा? आंटी जी नीचे खड़ी आंगन में, अब आंगन से कूद कहाँ जाएंगी, पाताल में? तू बड़ा ही बेशरम आदमी है यार, जिस परिवार ने हमें रोटी कपड़ा मकान सब कुछ दिया तू उन्हीं के साथ दगाबाजी कर रहा है। हमारा फर्ज बनता है कि इस परिवार की रक्षा करें। अरे क्या कर लेगा तू भाई, गुलबिया सेठ जी ने जो आग लगाई उसे बुझाने के चक्कर में हम झुलस जाएंगे, हैं? क्या कर लेगा तू? चाहे जो भी हो जाए इलायची जी की नजरों में हम सेठ जी की इज्जत कम नहीं होने देंगे, हम बचाएंगे उन्हें। ये बचाएंगे, ये राजा वीर विक्रमादित्य तो रखे हैं। सेठ जी तेल नहीं है क्या? ना शिकंजी डाल रखी है मैंने, बात कर रही है बेकार की। सेठ जी प्रणाम। वे तू फिर आ गया? जी सेठ जी हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, सेठ जी हमने आपका नमक खाया, आप प्लीज हमारे साथ अंदर चलिए। वे तू समझ ना रहा है, दो प्यार करने वालों का मामला हो रखा है। देखिए सेठ जी हम एक बारी के लिए समझ सकते हैं, लेकिन आप समझिए आपके पीछे बहुत बड़ा परिवार है सेठ जी। अरे तू समझने की कोशिश क्यों ना कर रहा है, एक रात में कुछ ना होने वाला। सेठ जी जल्दी चलिए ना, कोई आ जाएगा। क्या जल्दी चलिए लगा रखा आपने? सेठ जी आप बात की गहराई समझने की कोशिश करिए, इस उम्र में इस तरह से कदम बहकना अच्छी बात नहीं है। अरे मेरे कदम ना भटक रहे हैं, तेरा दिमाग भटक रहा है, बात कर रहा है बेकार की तू भी। सेठ जी आप एक बारी मामले की गहराई तो समझिए, अगर आंटी जी को पता चल गया ना कि आप ऐसे चोरी चोरी चुपके चुपके इनके, आप समझ रहे हैं? मैं सो तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर करू को पता लगेगा तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। हाँ एक काम कर, चल तू छोड़ जा। हम क्यों जाएंगे सेठ जी इन्हें छोड़ने? अरे तो इसके साथ तो कोई जाना चाहिए ना, अकेले कहता छोड़ दूंगा इसे। पर सेठ जी हम यार ठीक है, आपके लिए हम ये भी त्याग करने के लिए तैयार हैं, आप बस आप अंदर जाइए सेठ जी प्लीज। चल दे जा जा छोड़ जा। अरे यार
इलायची के पापा, इलायची के पापा कहाँ थे इतनी रात को? अरे कहीं ना किसी से पैसे लेने गया था, तू चल आजा सो जा। चल रही हूँ। अरे यार कौन इतनी रात को घर के पास स्कूटर यार स्टार्ट बंद कर रहा, आधी हो गई। तो यार इलाची पापा ये कैसी आवाज आ रही है बाहर से? अरे कोई आवाज ना आ रही है, वैसी रात है, कुछ भी आवाज आ रही होगी। चल चल सो जा। नहीं नहीं आ रही है इलाची के पापा, एक मिनट देखते। अरे तू रुक तो एक मिनट। अरे करूं तो क्यों नहीं दिखा कर रही है? अरे ये खटारा जल्दी स्टार्ट करो ना, मुझे देर हो रही है। अरे कर रहे हैं ना हम, रुकिए जरा, जल्दी चलो ना, मुझे देर हो रही है। जीजाजी जाओगे इसे मेरे आंखों के सामने से, मेरे घर के सामने से भाग जाओगे इसके साथ? नहीं हमारी बात। अरे ये क्या नौटंकी चल रही है, जल्दी चलो। चुप कर, एक तो मेरे बॉयफ्रेंड को लेके भाग रही है और कह रही जल्दी करो। अरे आप मेरी, और आप, मैंने कहा था ना, याद है ना मैंने क्या कहा था कि जिस दिन आप मेरा विश्वास तोड़ेंगे ना, जो टांगे हैं ना आपकी, वो ही तोड़ दूंगी मैं अपने। अरे इलायची जी हमारी बात नहीं सुनना मुझे, जान ले लूंगी मैं आपकी। बेचारी को क्यों इतना डांट रही हो? चुप करना, छू मत, दूर खड़ी है। एक तो मेरे माल पर डाका डाल रही है, फिर करी इन्हें क्यों ऐसा करी, शर्म नहीं आती तुझे? घर पर बात करती है लोगों के। प्रेम किया है, प्रेम करने को डाका डालना नहीं कहते हैं। शांत हो जाइए इलायची जी। अरे रुक तो, तू क्यों नींद खराब कर रही है अपनी? एक बार क्या पंचम, ये कौन है? मम्मी है। ये जीजा जी की माशूका है, इसके साथ ये भाग रहा है, तो मैंने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा। अभी अभी क्या अभी? ना भाई, ये पंचम की माशू का ना है ये तो। जो सेठ जी, आंटी जी, ये इलायची जी सही कह रही हैं, ये हमारी माशू का है और हम इनके साथ भागने वाले थे, और इसमें हम किसी को दोष नहीं देना चाहते हैं। गुलाबिया, हे भगवान, मेरे तो भागी फूट गए, बेचारे पिंटू। अबे क्या बकवास कर रहा है छन। सेठ जी आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप शांत हो जाइए बस। अरे तू समझ क्यों ना रहा है? सेठ जी आप समझ नहीं रही हैं। सेठ जी, लेकिन मैं सब समझ रही हूँ सब। देखिए इलायची जी, आपको जो समझ में आ रहा है वो आपको आ रहा है, लेकिन जो हम आपको समझाना चाहते हैं वो आप समझ नहीं पाएंगी। वो इसलिए नहीं समझ पाएंगी क्योंकि हम आपको समझा नहीं सकते हैं, इसलिए जो आप समझ रही हैं वो ठीक है, आप समझ सकती हैं इस समय। ए लड़के, तेरा मेरा इश्क कब चालू हुआ? अबे ओए, दुकान छोड़कर तू कब इससे इश्क फरमाने जाता था पहले मुझे ये बता दे आज। अरे यार सेठ जी, आप हद कर रहे हैं। मेरे क्या पिंटू के भाग फूट गए। गुलमिया क्या सेठ जी मेरी बस छुड़वा दी तुमने? ये छोटा सा काम दिया वो भी ना कर पाए तुम? इसके साथ भी चिपकी हुई है वो वैसी लड़की के साथ, यही मिली थी, हद्दी कर दी। हे भगवान, किस किस के भाग फूटे मेरे तो कुछ समझ में ही ना आ रहा। लट्टू कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? क्या जरूरत थी सेठ के साथ इतनी रात को मुझे अकेला छोड़ने की? हमारे पास छोड़ा था। चुप कर, सारा रायता तो तूने फैलाया है। इलायची के पापा, ये इतनी रात को तुम्हारे साथ क्या कर रही थी? अरे मैं तो ऐसा जो है लोटे के पास बस अड्डे छोड़ने जा रहा था, फिर ये आ गया, मैंने कहा चल तू छोड़ गया, उसके बीच में पता नहीं कहाँ हो गया ये। मतलब आप इन्हें लोटे जी के पास छोड़ने जा रहे थे? हाँ, क्योंकि ये दोनों भाग के शादी करना चाह रहे थे। इसका मतलब ये
लोटे और गुलबिया का चक्कर चल रहा है। और सेठ जी आपने वो चिट्ठी लिखी थी ना जिसमें वो गंदी सी कविता लिखी थी आपने, गंदी गंदी बातों वाली। अबे अबे तूने कब पढ़ ली वो चिट्ठी? वो चिट्ठी तो मैंने लोटे की तरफ से गुलबिया के लिए लिखी थी। तुझे पता ना है लोटे बिल्कुल पढ़ना लिखना ना जानता है, इसलिए मैंने वो चिट्ठी लिखी। समझ में? एक बार बता तू मेरी इतनी जासूसी कैसे कर रहा है? सेठ जी वो हमें हमें लगा कि वो आप जो हैं, सॉरी सेठ जी वो गलती हो गई हमसे, हमें दरअसल ये लगा कि आपका और गुलबिया का ना ऐसे टांका और वो सॉरी। बकवास मत कर। सॉरी करू जो है मेरे सपनों की राजकुमारी थी, राजकुमारी है, चाहे सपने कितने भी भयानक हो। मेरा तो भाव ही फूट गए। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी बिल्कुल जीजा जी छत पर हैं। बस इलायची जी इस बात का बहुत बुरा लग रहा है कि हमने ना बेफजूल में सेठ जी पर शक किया। जीजा जी सच कहो ना तो मेरे भी कुछ ऐसे ही विचार हैं। वो अनजाने में बिन बात के आपको दोषी बना दिया मैंने। हमें? देखिए इसमें पूरी मेरी गलती नहीं है, आपको भी देखना चाहिए था ना। अब जो आदमी खाके कितने डकारे ले रहा वो तक बताता है मुझे, चाहे से वो चीजें छुपाए लगे तो बताओ ना मुझे कैसा लगेगा। ऐसी जी क्या बोल रही हैं आप, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस समय हम पता नहीं कुछ और ही सोच रहे थे, किसी और ही उलझन में थे। जो भी हुआ हो लेकिन मैंने क्या देखा कि गुलाबी आपकी बाहों में लिपटी हुई थी एकदम नागिन की तरह। उसके बाद उसको मैंने दुकान में देखा आपके साथ, उसके बाद फिर मुझे मुझे शक होने लगा कि आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। इलायची जी आपने हम पर शक किया? इतनू सा? ओके इतनू से थोड़ा ज्यादा। सॉरी सॉरी जीजा जी। इलायची जी सुनिए, हम आपसे ये बात हजारों बार कह चुके हैं और दोबारा कह रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं और हमारी जिंदगी में किसी और के आने की कोई गुंजाइश नहीं है। इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? जी इलायची जी, इलायची जी हमने तो यहाँ तक अपना पूरा बुढ़ापा आपके साथ तय कर लिया है। और नहीं तो क्या, आपको पता है हम आपके लिए और हमारे लिए क्या सपना देखते हैं? क्या? कि हम पूरी दुनिया घूम रहे हैं, यूरोप, अमेरिका, स्पेन, मेन और कन्याकुमारी। और हमारा एक छोटा सा घर है, छोटा नहीं बड़ा सा घर है, और हमारी एक बड़ी सी गाड़ी है और आपकी एक छोटी सी, नहीं आपकी भी बड़ी सी है। इलायची जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप प्लीज हम पे कभी शक मत करिए। I love you too, Elaichi ji. Elaichi ji, हमें एक और आपसे बात कहनी थी बहुत जरूरी। वो हम ये सोच रहे थे कि आज के बाद ना अपने जो कपड़े हैं इस्त्री देने के लिए करने के लिए, मतलब हम बाहर दें। वो क्या है ना कि चांदनी चौक में आजकल लोग बहुत अच्छा इस्त्री कर रहे हैं। और कहीं बाहर जाते हुए आपकी स्त्री ना हो जाए। लाइफ में टंटे हो रखे, अभी बताती हूँ। अरे लाइसी जी क्या कर रही है, लग जाएगी। लाइसी जी देखिए मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। अरे मजाक कर रहे थे लाइसी जी, अभी मैं आपके साथ मजाक कर। और बेटा पिंकी सारी साहब जी। अरे वाह क्या बात है। मजा आ रही है साहब की दरोगा भाई। ओहो तो इस्तीफा बन गया, वेरी गुड। तूने तो मंगीलाल अपना फर्ज पूरा किया है ना, अब पिंकी जी को अपना फर्ज पूरा करने का मौका दे मंगीलाल। पिंकी जी ने तो आज डिसाइड किया, पिंकी जी ना तुझे आज ही मोक्ष की प्राप्ति करा देंगे। मोक्ष? हाँ साहब जी मैं कुछ समझा नहीं। पिंकी जी ने डिसाइड किया है कि पिंकी जी ना
आज ही अपनी बंदूक से ऐसे ठिचू गोली मारेंगे और तेरी आत्मा परमात्मा से लीन हो जाएगी। वन टू तीन पे मारेंगे गोली। साहब जी मैं भी मेरी बात तो सुनिए। और अरे एक मिनट साहब जी, वो क्या है ना साहब जी, मैंने आपसे झूठ बोला था, मुझे ना कोई बीमारी नहीं है, मतलब मजाक कर रहा था आपसे, मजे ले रही थे और कुछ ना। पर क्या है ना मंगीलाल, पिंकी जी को तब तक मजा ना आएगा जब तक पिंकी जी मतलब ऐसे थोड़ी करके ऊपर जाके परमात्मा के साथ लीन होता हुआ ना देखेंगे। अरे साहब जी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा साहब जी, कान पकड़ रही हूँ माँ कसम। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ।